हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने शहर की लेटेस्ट न्यूज़ वीडियोस देखने के लिए साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू पर भड़के फोर लाइन विस्थापितों व प्रभावितों ने बिलासपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की है कि फोर लाइन विस्थापितों व प्रभावितों की समस्याओं के निवारण के लिए संजय कुंडू के स्थान पर किसी अन्य वरिष्ठ निपुण अधिकारी को नियुक्त किया जाए। समिति के अध्यक्ष ने अतिरिक्त प्रधान सचिव IPS अधिकारी संजय कुंडू पर विस्थापितों की समस्याओं को सुनने की अपेक्षा तानाशाही पूर्ण ढंग से उनकी मांगों को दबाने का आरोप लगाया है। समिति ने चेताया है कि अगर प्रदेश सरकार ने यदि फोर लाइन विस्थापितों के हितों की रक्षा करने में कोई ढील या कोताही बरती तो आंदोलन होगा। एनकाउंटर में बिलासपुर से राम सिंह की रिपोर्ट। पिछले दिन यहां उपायुक्त कार्यालय में फोर लाइन विस्थापित समिति से, शिमला से, मुख्यमंत्री कार्यालय से अतिरिक्त प्रधान सचिव संजय कुंडू जी आए थे। उन्होंने विस्थापितों की मांगों पर कोई गंभीरता से उनको निपटाने का प्रयास नहीं किया और वो बैठक एक तरह से पूरी असफल रही। उन्होंने अपने तरासापूर्ण अंदाज में सारी बातें अपनी तरफ से ही रखने का प्रयास किया। उन्होंने मना किया कि विस्थापितों को फैक्टर 2 के तहत 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा सकता क्योंकि उससे हिमाचल प्रदेश की सड़कों का निर्माण रुक जाएगा। विस्थापन समिति ने जब इस विषय पर उनको समझाने का प्रयास किया कि विस्थापितों की बलिवेदी पर इन सड़कों का निर्माण किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जा सकता क्योंकि विस्थापितों का पुस्तानी जो जितनी भी संपत्ति थी, उनकी जो जमीन जायदाद थी, वो सारी उसमें नष्ट हो गई। उनका जीवन यापन के सारे साधन एक तरह से ठप हो गए। उनको रोजगार देना, उनका बसाव करना सरकार का उत्तरदायित्व है, लेकिन उन्होंने विस्थापितों की किसी भी मांग को सुनने के लिए वो तैयार नहीं थे। हमारा मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि यहाँ पर किसी कुशल अधिकारी को, वरिष्ठ अधिकारी को इस कार्य के लिए तैनात किया जाए, वो हमारी समस्याओं को सुने। विस्थापितों को 4 गुना मुआवजा जिस तरह से सरकार ने चुनाव से पूर्व माना था वो देने की व्यवस्था करे, उनके उचित बसाव की व्यवस्था करें। सारे सड़कें, सारे रास्ते, पानी बिजली का जो नष्ट हुआ है, पानी के सोर्सेज नष्ट हुए हैं, उनको रेस्टोर करें और विस्थापितों की समस्याओं को सुनकर उनके निदान करने का प्रयास करें। अन्यथा विस्थापित इस स्थिति में कभी भी जो है वो इसे सहन करने के लिए तैयार नहीं है और इससे टकराव बढ़ेगा जो सरकार के लिए भी उचित नहीं होगा। प्रधान सचिव जी आए थे हमारी समस्याओं को सुनने के लिए। वो जो समस्याएं हमने उनको बताई वो हमारे को नहीं लगा कि वो हमारे इन कामों को करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे साथ जो फोर लेन के संबंधित पहले समझौता हुआ था DC साहब के माध्यम में, उसके हिसाब से अगर हमारा काम करते हैं तब तो हम इन बातों को सबको मानते हैं, वरना हम सभी लोग इकट्ठा होकर के संघर्ष करेंगे और अपनी जो हमारे समझौता हुआ है उन बातों को मनवाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम लोग सभी इकट्ठे होकर के हड़तालें करेंगे, चक्का जाम करेंगे।